चाहते हैं कि समूर्ति रानी जी जो आई थी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ करीब तक आई थी, बिल्कुल हरम के करीब तक आप देख सकते हैं। तो उस जगह को अभी धुलाई काम चालू है, धुलाई हो रहा है। मदीने से सामने आई साफ सफाई करते हुए वीडियो, हाल ही में भारत की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी किया था दौरा। सऊदी अरब सरकार और भारत सरकार के बीच हज यात्रा 2024 के समझौते के बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को जद्दा से मेट्रो के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंची। मुसलमानों के दूसरे सबसे पवित्र स्थल माने जाने वाले मस्जिद नबवी का भी दौरा किया। इस मौके पर उनके साथ हज कमेटी ऑफ इंडिया के CEO लियाकत अली आफाकी भी मौजूद थे। अल्पसंख्यक मामलों की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सऊदी अरब सरकार के जरिए आयोजित की गई हज उमरा कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया। वहीं स्मृति ईरानी ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज मदीने की ऐतिहासिक यात्रा की, इस्लाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक में पैगंबर की मस्जिद अल मस्जिद अल नबवी, उहद के पहाड़ और पहली इस्लामी मस्जिद कुबा की यात्रा शामिल है। स्मृति ईरानी के मदीने के दौरे को लेकर सोशल मीडिया पर यूजर्स काफी भड़क गए और उन्होंने बिना सर ढके और गैर मुस्लिम के मदीने में जाने को लेकर सऊदी सरकार की काफी आलोचना की। वहीं अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि मदीना मस्जिद में साफ सफाई का काम चल रहा है, पर वीडियो बनाने वाला इस दावे के साथ वीडियो बना रहा है कि स्मृति ईरानी मदीने में आई थी और अब यहां साफ सफाई की जा रही है। इस वीडियो को पत्रकार अशरफ हुसैन ने शेयर करते हुए रिएक्शन देते हुए लिखा, मदीने में ये सब क्या चल रहा है, जिस पर एक यूजर ने रिएक्शन देते हुए लिखा, अरे ये आदमी बेवकूफ है, यहाँ डेली धुलाई होती है खास करके जुमे को। इस पर एक और यूजर लिखते हैं, सऊदी हुकूमत बेशर्मी के नए आयाम गढ़ रही है, हो सकता है आने वाले वक्त में वहाँ पर शराब जुए को भी परमिशन दे देगी ये हुकूमत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।